कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद बलिया जिला कारागार एक बार फिर अशांत हो गया। दरअसल कारागार में निरुद्ध बंदियों ने किसी बात को लेकर अचानक उत्पात मचाते हुए पथराव शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होते देख जेल प्रशासन की सूचना पर पुलिस और पीएसी के जवानों को स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए जेल के अंदर भेजा गया। वहीं थोड़ी ही देर में डीएम अदिति सिंह और एसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा भी कई थानों की फोर्स के साथ पहुंच गए। वहीं डीएम अदिति सिंह की माने तो कैदियों के दो गुटों में ईंट पत्थर चले हैं, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ है। फिलहाल मामले की जांच कराई जा रही है और जैसे जैसे जांच में मामले सामने आएंगे वैसे वैसे कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल किसका है मिश्रा जी? मोबाइल पीछे रहिए मैडम, बोलिए जी। मैडम क्या मामला हुआ है? आज लगभग 7 बजे ये सूचना आई कि जेल में दो गुटों में आपस में कुछ झगड़ा हुआ है। उस सूचना पर तत्काल मैं और पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो झगड़ा कर रहे थे आपस में लोग, उन लोगों से वार्ता की, उनको समझाया गया और वो सभी अपने अपने बैरक में वापस चले गए हैं। कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं है, किसी को किसी भी प्रकार की छोटी मोटी भी चोट नहीं है। प्रत्येक बैरक में जा जाकर सभी की गिनती कराई गई है, सभी कैदी वहाँ पर मौजूद हैं। अभी इस समय पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और नियंत्रण में है। मैडम मामला क्या है, किस बात को लेकर हुआ, जो सुनने में आ रहा क्या मामला था पूरा बताइए। जैसा मैंने आपसे कहा शुरुआत में, ये सूचना आई थी कि दो गुटों में कुछ कहासुनी पर झगड़ा हुआ है। बाकी और गहराई में इसमें जाने के लिए जो भी है उसके लिए हम जाँच करा रहे हैं, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। जनपद की बाहर की भी पुलिस आई थी क्या? जनपद से बाहर की पुलिस बुलाई गई थी? जनपद से बाहर की फोर्स और जो जनपद में फोर्स है सभी मोबिलाइज इसलिए की गई थी जिससे कि एक सुरक्षा का माहौल बना रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कत जेल के भीतर या फिर जेल के बाहर ना हो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था का पालन पूरे जनपद में हो। क्या मैडम पत्थर भी चले थे अंदर? इस प्रकार की दिक्कत नहीं आई थी, सबसे बातचीत करके उनको आश्वस्त कर दिया गया था और वो स्वयं बैरकों में लौटे हैं। ईंट पत्थर भी चला है मैडम अंदर? ये आंसू गैस के छोड़ने पड़े क्या, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आंसू गैस के गोले? थोड़ा सा पथराव हुआ था शुरुआत में, लेकिन वो आपस में वो लोग जब लड़ रहे थे हुआ था, जब उन लोगों से बात करके बार बार अनाउंसमेंट करके समझाया गया और जब वो जान गए कि मैं हूँ वहाँ पर, बाकी अधिकारी मौजूद हैं, तो उनके द्वारा ये सब गतिविधियाँ बंद कर दी गई थी। बाद में इस बात पर अड़े थे कि जिला आपसे बात करने के लिए, क्या ऐसे क्या मामला था जिससे आपसे बात करना चाहते थे? वो अपनी कुछ समस्याएं रखना चाहते थे जिसके बारे में मैंने उनसे विस्तार से चर्चा की है और उन सभी पर जो जो कार्रवाई होनी है, जो हमारे स्तर से होनी है, जो उनकी मांगे हैं, जो वाजिब हैं, उसको भी देखूंगी, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है। आपको बता दें कि जेल के अंदर और बाहर सुरक्षा की दृष्टि से जनपद से भी फोर्स बुलाई गई है। अभी स्थिति सामान्य है, कैदियों को समझाने के बाद सभी अपने अपने बैरक लौट गए हैं, गिनती भी कराई गई है, सभी मौजूद हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।